नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर जारी किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई है। केंद्र सरकार के जरिए लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा होने वाला है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े, समझ जाओ सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई है। अन्नदाता सत्याग्रह को नमन, हैशटैग फॉर्मर प्रोटेस्ट। राहुल गांधी किसानों की मांग का समर्थन करते हुए लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में दावा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान 650 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार इन आंकड़ों को नहीं मानती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में ऐलान किया था कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का 1 साल पूरा होने के मौके पर 500 किसान हर दिन 29 सितंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान संसद तक शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।